कृष्णवर्धन वाले बाबा, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर, देखिए ये तस्वीर, देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा। पीछे करो ना, पीछे चले, हटवा चले सारे। पंडित जयंत किशोर शास्त्री पटना पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर, ये बड़ी तस्वीर, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, बाबा का काफिला जो है वो अब यहाँ से निकल रहा है। मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर धाम वाले महाराज के साथ में है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्कूल से, गिरिराज सिंह कई जो है वो बीजेपी के नेता जो है वो आज नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सामने की तस्वीर पर देखिए, सामने की सीट पर देखिए बाबा आपको नजर आ रहे होंगे, सामने की सीट पर देख सकते हैं। 13 से 17 मई तक बागेश्वर धाम खूब चाक चौबंद सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में है। कुछ है। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है, सच बताएं यहाँ जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है, विरोध हुआ बाबा की अगर बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले बाबा, मिलते हैं बाबा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो हम आ गए बाबा। हिंदू राज्य के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है बिहार बाबा, जो राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा, यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू सनातन हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए चलिए जय श्री राम, जय देखिए धीरेन्द्र वाले बाबा को आप सुन रहे थे। पंडित धीरेन्द्र के साथी जो है वो पटना पहुंचे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है वो अब इनका काफिला निकल रहा है आगे की ओर, सुरक्षा के पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री के स्वागत के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर जो है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और इस बीच बाबा का जो ये काफिला है वो पटना एयरपोर्ट से अब निकल रहा है। ये बड़ी तस्वीर है, सीधी तस्वीर आपके सामने, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जो है वो पटना पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं इसी MP 16C 5005 नंबर की जो फॉर्चुनर कार है इसमें जो है वो बागेश्वर धाम वाले बाबा मौजूद हैं। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री की, ये सीधी तस्वीर, ये बड़ी तस्वीर। और आप देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के बीच जो है वो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जय श्री राम के नारेबाजी के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा का जोरदार स्वागत पटना में हुआ। ये तस्वीर आपके सामने, ये बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। बिहार में आकर सबसे बड़ी बात की उन्होंने, ये कहा भी है सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम यहाँ हनुमंत कथा कहने आए हैं। और उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि विरोध करने वाले का काम है विरोध करना। RJD ने विरोध की बातें कही थी। और देखिए जय श्री राम की नारेबाजी। और इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं। बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधे देखिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो हैं वो पटना पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके पटना में आगमन के बाद की, ये पहली क्रियाएं कि उन्होंने तमाम चीज़ें कही। बिहार में जैसे ही पूछा गया कि बाबा आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी तरह के सियासी बयानबाजी हो रही है और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम कराने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम कोई हिंदू मुस्लिम कराने नहीं आए हैं बल्कि हम हिंदू हिंदू कराने आए हैं। देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसके बाद तमाम चीज़ कहे कि बिहार हमारी आत्मा में बसती है, बिहार में बाहर है, और तमाम चीज़ें यहाँ की मौजूदा सरकार को भी लेकर उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था ठीक तरह से की गई है पटना एयरपोर्ट पर। और जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एयरपोर्ट पर आए क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आप पूरी वीडियो देखिए।